एक ओर व्यापारियों ने सीलिंग का विरोध किया तो वहीं दूसरी ओर सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम केजरीवाल ने सीलिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी को बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बीजेपी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। इस पर मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही सीलिंग से राहत दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन बीजेपी इस बैठक से दूर रही। हालांकि कांग्रेस शामिल रही, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पहुंचे, अरविंदर सिंह लवली पहुंचे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासत चाहती है, वो सड़कों पर बात करना चाहती है, लेकिन जब बैठक बुलाई जाती है तो बैठक में शामिल नहीं होती। मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और कोशिश ये थी कि सब मिलके संसद में जो बैठे हैं, विधानसभा में हम बैठे हैं, नगर निगम में जो बैठे हैं, सब मिलके कुछ आवाज दिल्ली के लोगों के लिए उठाएं और उसका कोई समाधान निकालें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस ने तो इस बैठक में आना स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक में आने की जगह राजनीति की। उन्होंने वो सड़क पे बोलते हैं, अलग से बोलते हैं, लेकिन जब इसके समाधान पे चर्चा के लिए बैठक बुलाई तो इस पे समाधान के चर्चा में वो शामिल तक नहीं होना चाहते। और उसको लेके संसद में आवाज उठाने की जरूरत है। संसद में ना सिर्फ आवाज उठाने की बल्कि सीलिंग को रुकवाने के लिए जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो हर प्रयास करेंगे मिलके। कांग्रेस के सांसद भी साथ देंगे। एक तो ये डिस्कस हुआ, दूसरा मॉनिटरिंग कमेटी जो इसको सीलिंग के पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रही है, उससे मिलकर जो भी मुद्दे हैं मास्टर प्लान को लेके, उसके इंटरप्रिटेशंस को लेके, उनसे बात करेंगे। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन भी इस बैठक में पहुंचे थे। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के हिस्सा न लेने पर माकन ने सीलिंग के मामले पर राजनीति का आरोप लगाया। माकन से बात की हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की बैठक खत्म हो गई है केजरीवाल के साथ, माकन जी क्या कुछ सजेशन दिए आपने सीएम को? देखिए, हमने हर वर्ग के लिए बताया है, जैसे हम लगातार बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कहीं पर सीलिंग नहीं होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को समझा है, और हमने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इफेक्टिवली इसको सुप्रीम कोर्ट में और मॉनिटरिंग कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए। हमें खुशी है कि चीफ मिनिस्टर ने इस बात को माना है और मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर उन्होंने कहा कि वो भी जाएंगे और साथ में ये भी ऑल पार्टी डेलीगेशन भी मॉनिटरिंग कमेटी से जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन तीनों अगर जाती है तो उस चीज़ का फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी कुछ रिकमेंडेशन? बिल्कुल, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी हमने कहा है कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। अभी 5 वर्कर्स और 5 किलोवाट की जगह 11 वर्कर्स और 11 किलोवाट होना चाहिए, जिसको भी उन्होंने माना है। बीजेपी शामिल नहीं हुई है, क्या कहना? बीजेपी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है। इन सब चीजों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है राजनीति से ऊपर उठ करके निर्णय होने चाहिए। तो साफ तौर पर राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कही है, एक पॉजिटिव ऑपोजिशन की भूमिका यहाँ पर कांग्रेस ने निभाई है। कैमरामैन मनोज के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।